व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू जन। क्या हाल चाल है? अपने बालों को इग्नोर करना। आज डेट हो रही है January 8, 2022। मैं अभी फिलहाल मैं अपनी छत पर खड़ा हूँ एंड जोर से बारिश हुई थी। अभी तो थोड़ी कम हुई है एंड ड्रिजलिंग हो रही है अभी भी। ये देखो जो भी है मौसम, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड नहीं लग रही है। वैसे मैंने जैकेट पहनी हुई है बट तब भी ठंड नहीं लग रही है इतनी यार। बारिश में अजीब ही है, बारिश में ठंड नहीं लग रही है क्योंकि मौसम एकदम प्लेन हो चुका है। एंड आपको मैं थोड़ा व्यू दिखा दूँ, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है आपके आसपास। ये देखो वासन ना, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा था यार। सारा व्यू बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड वो पतंग उड़ रही है क्या वहाँ पे? एक नहीं नहीं बर्ड है। मैं भी सोचूं बारिश में कौन बेवकूफ पतंग उड़ा रहा है। उधर से और काले बादल आ रहे हैं, मतलब और बारिश होने वाली है। तो ये देखो ये बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी थोड़ी कम हो गई है भाई, मैं तो इतनी गंदी वाली बिजली चमक रही थी ना, अभी तब भी कम हो गई है। छत तो सारी गीली हो चुकी है। बस ये 13 जनवरी लोहड़ी के दिन ये ना हो भाई, नहीं होना चाहिए जैसा 2020 में हुआ था। और वो बहुत मनहूस साल गया था, वैसा साल नहीं आना चाहिए भाई। वैसे वेदर तो क्लियर दिखा रहा है बट भरोसा कुछ नहीं है यार, कुछ भी हो सकता है भाई। कैश रखा हुआ है, अभी तो और ऐड करना है। एनीवेज हमने टॉपिक पे आते हैं, मैं अभी कमरे में आ गया हूँ जहाँ पे सारी पतंगें पड़ी हुई हैं अभी। एंड ओहो, ये क्या देख लिया वे? ये तो 6 तवा हमारी 6 फुट वाली काइट जो कि मैं लाया था, इसको तो भाई लोहड़ी के दिन ही हवा में उड़ा देंगे और एक कट टुटकी आएगी। ये कटेगी मेरे को इतना तो पता ही है, बट जल्दी कटेगी कि लेट कटेगी वो नहीं पता। और जल्दी नहीं कटनी चाहिए, काट कूट के सबकी कटनी चाहिए, तब मज़ा आएगा असली। बाकी मैं आज जो वीडियो है वो सब है सिर्फ मांझों के बारे में है, जो मांझे होते हैं अपने उनके बारे में आज का वीडियो है। जो डब्बा कपड़ों का था उसमें लेके जा रहा हूँ मैं, डब्बा कह दिया आज प्लास्टिक वाला, उसमें लेके जा रहा हूँ दोनों को ताकि बारिश से भीग ना जाए। वाह भाई क्या ही जुगाड़ है। यह कसम की पैकिंग कर दी है, अब ये इस तरह हो गए हैं देखो। इनको मैं कैरी करके नीचे लेके आऊँगा। ओहो सन निकल आया थोड़ा बहुत वहाँ पे सूरज निकल आया, जो कुछ नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो सेम ही कलर आ रहा है फ़ोन में। असल में थोड़ी रोशनी हो चुकी है तो एनीवेज बारिश तो हो ही रही है। तो कैमरा बंद करता हूँ एंड सीधा इसको नीचे कमरे में लगे आके इनको पूरा डिटेल में कह रहे बात करते हैं। चलो आ जाओ। मान जो ले आऊँ नीचे एंड अभी रात हो रही है, मैंने उस टाइम शूट नहीं करा, ट्यूशन क्लास थी मेरी तो अभी रात को टाइम मिल गया तो रात को शूट कर रहा हूँ उसके बाद उस टाइम के बाद सीधा। एनीवेज तो सबसे पहले ये हम इस पर आते हैं इस मांझे पे जो कि है हमारा मोनोकॉइड फाइटर मांझा। अब ये रियल बताता हूँ किस तरह से है। देखो ये होलोग्राम चिप लगी होनी चाहिए और एक यहाँ भी लगी होती है जो उतार दी ऑब्वियसली, उसके बगैर उड़ा नहीं माना था, हो नहीं माना था मांझे को। यहाँ पे शॉक प्रूफ लिखा होता है और लिखा होता है सुपर परफॉर्मिंग चैम्पियन, ठीक है। ये होता है असली मोनोकॉइड फाइटर की पहचान, ये होलोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड उसके डब्बे पे एक पट्टी भी लगी होती है अलग सी। ये जो मोनोकॉइड मांझा है ना, ये मेरा दोस्त आर्यमन लाया था और थोड़ा कम वाला मांझा है, आधा किलो है। एंड उसने जब मेरे को दिया ये वाला तो ऐसा ही दिया था बिना स्टिकर के, तो पता नहीं रियल है कि फेक है, लेकिन हम इसको इसमें रियल ही माने वाले हैं क्योंकि ये बहुत पतंगे काट चुका है। मुझे तो ये रियल ही लगता है भाई, एक तो ये टूटता भी आसानी से नहीं है। सो अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले हमें बात करते हैं कि इन दोनों का गुंजले पड़ना किस में ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा कॉमन गुंजले पड़ना मोनोकॉइड फाइटर के अंदर है। यस, ये जो डोर होती है ना, ये इसमें जब आप उड़ाते हो इकट्ठी करते हो बहुत जल्दी इकट्ठी होती है एक तो, और चिपक जाती है एक दूसरे से, ज़मीन से ही चिपकती एक दूसरे के ऊपर लपेटी बढ़ जाती है इसकी, और एक गोला बन जाती है और ये गुंजले पड़ जाती है ना, जो बहुत ज़्यादा गुंजले पड़ती है। एंड यार सरप्राइजिंगली मोनोकॉइड मांझा गुंजले तो पड़ती है लेकिन यह ज़मीन पे ज़मीन से चिपक जाती है, जिससे कि बॉल्स नहीं मरती है डोर की, जिससे वो कलेक्ट होके वापस भी कर सकते हैं, इसको कलेक्ट वापस कर सकते हैं। तो ये थोड़ी कम गुंजल पड़ती है इसके अंदर। और आप इधर भी देख सकते हो कि ये गुंजले जो है इसकी ज़्यादा पड़ती हैं। ये देखो अब जैसे कि अभी मैंने इसको उलझाया फिर से, पड़ी पड़ी भी देखो ऐसी हो रही है, ये देखो चिपक जाती है आपस में। और अब दिखाता हूँ मोनोकॉइड मांझा, ये अपना मोनोकॉइड मांझा। तो ये देखो ये चिपक रही है बिल्कुल नहीं, ये देखो ये चिपक नहीं रही है ना, ये देखो अब इसको इकट्ठे करूँ
तो सर्कल बन रहा है, वो चिपक नहीं रही है आपस में। तो सर्कल जब बनता है ग्राउंड से चिपक जाती है ना, तो ये खुल जाती है आराम से। देखो थोड़ी ज़्यादा टाइट है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप वो उसके मामले की बात करो, गुंझल बढ़ने की बात करो, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी है। बहुत कम गुंझल बढ़ती है, और पड़ती हुई है तो आसानी से छूट जाती है, जो कि इस मोनोकॉइल फटर में नहीं छूट पाती। और काटने में दोनों एक जैसे ही हैं यार। जो काटने की बात आ ही गई है, तो दोनों बराबर की हैं एकदम काटने में पतंगों को, क्योंकि दोनों से बहुत सारी पतंगे काटी थी मैंने। मतलब इससे ये पिछले साल में बात ये लोड़ी हुए काफ़ी पतंगे काटी थी इससे मैंने तो। लेकिन यार इन दोनों में से अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेटर कौन सी है, तो वो नो डाउट मोनोकाइट फाइटर। इसका नाम ही फाइटिंग है भाई, तो ये तगड़ा मान जाए बहुत ज़्यादा। मोनोकाइट फाइटर विंस हेयर भी नहीं है। मैं आपको बता दिया कि रियल और फेक में क्या इसमें डिफरेंस होता है। ये फेक नहीं है, इसको भी फेक कहोगे तो भाई मेरे को नहीं पता कौन सी रियल होती है। यही रियल है भाई, फेक नहीं है बोली। एक मेरा दोस्त भी लाया था जो कि मोनोकाइट फाइटर से लिखा होता, उसके मांझे पे, उसके मांझे पे जर्मन टेक्नोलॉजी लिखी थी। पता नहीं आप लोग बताओ कमेंट में यार, मोनोकाइट फाइटर्स लिखा हुआ तो मैं मेरे को लगा कि फेक है। तो आप बताओ कि इसका जो मांझा मेरे दोस्त का वो फेक है कि नहीं। अगर तो फेक हुआ तो उसका तगड़े वाला कटा है, क्योंकि वो लाया है 400 का। यस 400 की लाया, और बताओ कि ये फेक है कि नहीं। उसने मेरे को कहा कि ये वाला मांझा अब आजकल ऐसे ही मिलता है, इसी नाम से मिलता है, कहता वो शॉपकीपर से पूछ गया है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि यार ये रियल है कि फेक है, ये रियल है क्या ये वाला मेरे दोस्त का ब्लैक वाला जो मैं वो दिखा रहा हूँ, ये रियल है। कमेंट में जरूर बताना मेरे को। तो यार इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, रेट भी ऑलमोस्ट सेम है, बस गुंजले का डिफरेंस है। ये इसमें कम गुंजले पड़ती हैं, इसमें ज़्यादा पड़ती हैं। मोनोकाइट जो मांझा है वो ज़मीन से चिपक जाता है, ये जो होता है ज़मीन पे खड़ा हो जाता है, एंड इसलिए ये गुंझले ज़्यादा पड़ती है इसके अंदर। हाँ एक इसमें गलत बात मेरे को लगी, जब इसे छड़क्के मारते हो ना, वैसे ऐसे ऐसे करते हो, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तब ये ढीली होती है। ठीक है, ये तब ढीली होती है, ये वजह चलो ढीली हो ही जाती है, लेकिन ये वाली भी ढीली होती है जब छड़क्के मारते हो, तो अजीब ही है भाई। ये छड़क्के मारने में इतनी ढीली नहीं हुई थी जितनी ये हो गई थी, पता नहीं क्या ही सीन है अब। तो आप लोग बताओ ये क्या है भाई, मैं खुद ही समझ आया ये ढीली होती नहीं है ये वाली, और ये ढीली होती है छड़के मारने में। मैं ज़्यादा की एक्सपीरियंस किया है इससे। तो बाकी दोनों ही अपने अपने लीग में बहुत बढ़िया मांझे हैं। तो मैं आऊँगा, वैसे मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत मुश्किल डिसाइड करना, हर चीज़ आपको लेना है वो आप ले सकते हो। एक और बताई थी कि यार इन दोनों को तोड़ने में भी बहुत मुश्किल होती है, बट मोनोकाइट मांझा जल्दी टूट जाता है थोड़ा सा। जो मोनोकाइट फाइटर है वो थोड़ा हार्ड होता है और ज़्यादा बंद बंद सा होता है। एंड बड़ी पतंगे जब उड़ाओगे इनसे तो हाथ आपके बढ़ जाएंगे, अगर हमने अपनी प्रोटेक्शन ना पहनी तो बड़े पतंग उड़ना बड़ा खतरनाक होने वाला है, जो कि मैं करने वाला हूँ। जब भी इनसे उड़ाओ स्पेशली बड़े काइट्स, तो प्लीज़ प्रोटेक्शन पहनना, वरना बाय बाय कह दो अपनी उंगलियों को भाई। बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ते हैं इनसे, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें कांच होता है, तो कांच तो पता ही है क्या करता है। तो से भाई ये है ना प्लास्टिक वाले मांझे, ऐसे ही थोड़ी ना। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना। एंड अभी लोहड़ी का स्टैश के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो एंड एक और मान एक पंज एक मांझे के ऊपर वीडियो आएगा, जो कि मैं बताऊंगा नहीं अभी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो भी। तो यानी कि तीन व्लॉग्स आने वाले हैं, लोहड़ी स्टैश के दो पार्ट होंगे, दो पार्ट में शूट करूँगा मैं उसको। ठीक है, एंड बस मिलता है आपको सीधा लोहड़ी स्टैश वाले वीडियोज़ में, उसका सीधा लोहड़ी का व्लॉग। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काइट सीज़न इज़ हेयर, काइट सीज़न चलता है, पूरा सारी काइट्स की वीडियो ही डालेंगी फिलहाल, जब तक लोहड़ी नहीं आती, एंड उसके बाद भी डलती रहेंगी बसंत तक, पर और कंटेंट भी डालेगा लोहड़ी के बाद। एंड हाँ प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर देना, ये मेरी आईडी है अश्मित शर्मा 2041, इसमें लेटेस्ट अपडेट डालता हूँ अपने लेटेस्ट वीडियोज़ के, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। एंड यार लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ के अंदर। गुड बाय, टेक केयर।